मैं जिस ट्रेन की वीडियो बनाने वाला हूँ ना, आप लोग भी वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक है और आप लोग जानना चाहते हैं कि इंदौर से वहां जाने के लिए कौन सी ट्रेन मिलेगी, क्या किराया है, कितने घंटे में हमें पहुंचाएगी। ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज दूंगा इस वीडियो में। और भी काफी सारी ट्रेनों की वीडियो बनाना है, पर आप लोग जिस भी ट्रेन के कमेंट करेंगे तो आप लोगों के कमेंट पर वो ट्रेन का वीडियो मैं बना दूंगा, आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, क्या किस प्लेटफॉर्म नंबर पर खड़ी रहेगी, क्या टिकट का किराया लगेगा, जनरल का, स्लीपर का, फर्स्ट एसी का, एसी का, सबका किराया मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले अपने चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कि ये वीडियो काफी लोगों तक पहुंचे और आपकी हेल्प होती रहे। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इंदौर से अयोध्या के लिए, इंदौर से अयोध्या के लिए जय जय श्री राम। तो गाइस कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री राम। तो इंदौर से अयोध्या धाम जंक्शन के लिए कौन सी ट्रेन आपको मिलेगी, कब मिलेगी, किस समय मिलेगी और कितने घंटे में पहुंचाएगी, सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा कि इंदौर से अयोध्या के लिए जो ट्रेन है वो है ही नहीं। ये तो बोल रहे थे कि इंदौर से अयोध्या के लिए ट्रेन है, बट अब मना कर रहे। तो गाइस इंदौर से अयोध्या के लिए कोई सी भी ट्रेन नहीं है इंदौर से अयोध्या, बट इंदौर से उज्जैन मात्र 50 किलोमीटर है, 50 से 55 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर है उज्जैन। उज्जैन से आप लोगों को अयोध्या के लिए ट्रेन मिल जाएगी। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। आपको बता रहा हूं इंदौर टू अयोध्या धाम जंक्शन। तो इंदौर से अयोध्या के लिए तो कोई ट्रेन है ही नहीं। तो आप लोग सबसे अच्छा तरीका है इंदौर वासियों के लिए भी, उज्जैन टू अयोध्या धाम जंक्शन, महाकाल जंक्शन भी कहते हैं जिसे, क्योंकि बाबा महाकाल वही विराजमान है, उन्हीं के ही कारण उज्जैन नगरी फेमस है। तो आज हम बात करेंगे उज्जैन टू अयोध्या इंदौर वासियों के लिए भी, इसलिए मैंने इसका आप लोग यही पढ़ के आएंगे कि यार इंदौर से अयोध्या के लिए कौन सी ट्रेन है जो हमको नहीं पता। आप लोगों को नहीं पता वही ट्रेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है कि इंदौर से उज्जैन के लिए कौन कौन सी ट्रेनें हैं। इंदौर से उज्जैन के लिए काफी सारी ट्रेनें मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है, बट आप लोग अगर अयोध्या जाना चाहते तो उज्जैन सबसे बेहतर स्टेशन है। तो आप लोगों को भी अगर कोई सी कहीं कर भी अगर ट्रेन का पता करना है, आप लोगों को जानकारी चाहिए, तो मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। आप लोग मेरे वीडियो पर कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट डे या कुछ दिनों बाद मैं जरूर उस ट्रेन की जानकारी आप लोगों तक दूंगा। तो चलिए बात करते हैं उज्जैन से कितनी ट्रेन जाती है किसके लिए, अयोध्या धाम के लिए। तो अयोध्या के लिए तीन ट्रेन जाती है। सबसे पहली ट्रेन है दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन है वाराणसी सिटी साबरमती एक्सप्रेस, तीसरी ट्रेन है मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस। तो ये तीन ट्रेन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि उज्जैन से आप लोगों को किस समय मिलेगी और कब पहुंचाएगी आप लोगों को और किस किस डे आप लोगों को ये ट्रेन मिलेगी। तो चलिए शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो है उज्जैन से अयोध्या के लिए 19165 दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस जो कि उज्जैन जंक्शन से चलती है, सुबह 7 बजे चलती है ये, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। कब चलती है ये? उज्जैन से सुबह सात बजे चलती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और आप लोगों को अयोध्या पहुंचाएगी सुबह चार बज के बावीस मिनट पर आप लोगों को अयोध्या प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतारेगी। और ये चलती है वीकली में, ये चलती है हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जो कि लिखे हुए हैं, सोमवार, गुरुवार, शनिवार, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ये 3 दिन चलती है सिर्फ हफ्ते में। और इसका जर्नल का जो अब इसके टिकट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जर्नल का जो किराया है इसका 265 रुपए, स्लीपर का किराया है 460 रुपए, और थर्ड एसी का किराया है 1265
1265, सेकेंड एसी का जो किराया है 1815 रुपए और फर्स्ट एसी का जो किराया है वो 3060 रुपए। तो ये आप लोगों को ये किराया लगेगा। और पहले आपको पहले वाले भी वीडियो में काफी बोला है मैंने कि आप लोगों को ऑनलाइन अगर आप बुक करते हैं तो आप लोगों के चार्जेस थोड़े से ज्यादा लगते हैं। यही जो चार्जेस मैं बता रहा हूँ ये चार्जेस तब लगेंगे जब आप खुद स्टेशन जाकर जनरल की टिकट कटाएंगे, 265 लगेंगे। और वहीं पर ही स्टेशन पर ही अगर आप स्लीपर की टिकट करवाते हैं, बुक करवाते हैं, तो 460 लगेंगे। एसी की करवाते हैं तो जो किराया बताया वही लगेगा। अब जिन से अयोध्या जाएंगे तो कितना समय लगेगा आप लोगों को, तो आपका समय भी लिखा है। उज्जैन से अयोध्या पहुंचना चाहते हैं तो कितना समय, 21 घंटे 22 मिनट, 21 घंटे 22 मिनट में आप पहुंच जाएंगे अयोध्या। और उज्जैन से अयोध्या की दूरी कितनी है, 956 लिखा हुआ है। ट्रेन से आप लोगों को 953 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी। तो ये है सबसे पहली ट्रेन। फिर बता रहा हूँ वीकली में चलती है, सोमवार गुरुवार शनिवार के दिन। और उज्जैन से अयोध्या की दूरी है 21 घंटे 22 मिनट का पूरा रास्ता है, जो कि 953 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और भी आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी और ट्रेन की, कहीं और की, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब जो दूसरी ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ ये है वाराणसी सिटी साबरमती एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नंबर है 19167, 19167 वाराणसी सिटी साबरमती एक्सप्रेस, जो कि उज्जैन से चलती है सुबह इन टाइम में। दरभंगा साबरमती जो एक्सप्रेस जिस समय चलती है उसी समय ये भी चलती है, बट दोनों का दिन अलग अलग है, डे अलग अलग है। तो ये भी चलती है सुबह 7 AM पर ये चलती है, और ये चलती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। उज्जैन से ये चलती है सुबह 7 बजे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलती है ये। वीकली में कितने दिन चलती है बताता हूँ, ये लिखा हुआ है। ये वीकली में चलती है रविवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार, संडे, ट्यूजडे, वेनेसडे, फ्राइडे। हफ्ते में 4 दिन ट्रेन चलती है, मतलब 4 दिन चलती है उज्जैन से। वाराणसी से ये उज्जैन आती है और उज्जैन से ये सुबह 7 बजे चलती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। और किस दिन चलती है, संडे को, ट्यूजडे को, वेनेसडे को और फ्राइडे को, रविवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन। अब बात करता हूँ जैसे सबसे पहले बता देता हूँ मैं आप लोगों को जनरल का। जनरल का किराया है 265 रुपए, स्लीपर का किराया है 470 रुपए, थर्ड एसी का किराया है 1265 रुपए, सेकेंड एसी का किराया है 1815 रुपए और फर्स्ट एसी का किराया है 3060 रुपए। और अब बात करता हूं कि ये अयोध्या कब आप लोगों को उतारेगी। तो इसका टाइम है अयोध्या पहुंचने का नेक्स्ट डे सुबह 4:22 AM पर, 4:22 पर आप लोगों को ये अयोध्या जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतारेगी। फिर बताता हूं कि ये सेम टाइम है, उसका भी वही वाला टाइम था कि दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस का भी यही सेम टाइम है, ये भी 21 घंटे, वो भी 21 घंटे 22 मिनट लगाती है, और ये भी 21 घंटे 22 मिनट लगाती है ये ट्रेन भी। तो ये दूसरी ट्रेन हो गई वाराणसी सिटी साबरमती एक्सप्रेस। वीकली में चलती है संडे, ट्यूजडे, वेनेसडे, फ्राइडे। और जनरल का जो किराया है वो 265 रुपए, स्लीपर का किराया है 470 रुपए, थर्ड एसी का किराया है 1265 रुपए, सेकेंड एसी का किराया है 1815 रुपए, फर्स्ट एसी का किराया है 3060 रुपए। दोनों ही सेम ट्रेन है, दोनों का किराया एक है। फिर बता रहा हूं मैं आप लोगों, जंक्शन से अगर टिकट कटवाते हैं तो आप लोगों को यही किराया लगेगा। और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ के चार्जेस ज्यादा लगते हैं उसमें चार्जेस। तो ये थी सेकंड नंबर की ट्रेन जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। अब बात करते हैं तीसरी ट्रेन की। अब जो मैं आप लोगों को ट्रेन बताऊं, सबसे लास्ट ट्रेन जो कि उज्जैन से अयोध्या के लिए जाती है, 19053, ट्रेन का नाम है मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस।
मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस जो कि उज्जैन से चलती है 4:15 PM पर, शाम को 4:15 पर ये ट्रेन यहाँ से चलती है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 से चलती है, ये हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक दिन चलती है, वो भी फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन ये ट्रेन चलती है। शुक्रवार के दिन ये चलती है सूरत से, सूरत से चलती है तो उज्जैन पहुंचती है ये 4:10 पर पहुंचती है, 5 मिनट का ब्रेक है इसका और ये वहां से उज्जैन जंक्शन से निकल जाती है 4:15 पर ये निकल जाती है और अयोध्या आप लोगों को ये पहुंचाएगी 5:06 पर, ये भी PM मतलब नेक्स्ट डे आप लोगों को ये पहुंचाएगी, नेक्स्ट डे ये ट्रेन पहुंचाएगी आप लोगों को। और ये प्लेटफॉर्म नंबर आपको अयोध्या के प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 पर, कभी किसी कोई सी भी प्लेटफॉर्म नंबर पे ये आप लोगों को ट्रेन उतार सकती है 1 या 2 पर। और अब बात कर लेता हूँ इस ट्रेन के किराए की। जनरल का जो किराया है वो है ₹315, स्लीपर का जो किराया है वो है ₹545, थर्ड एसी का जो किराया है वो ₹1465, सेकेंड एसी का जो किराया है वो है ₹2100 सगुन के, ₹2100, फर्स्ट एसी का जो किराया है वो ₹3560, ₹3560। तो ये जनरल का जो किराया है वो ₹315, स्लीपर का जो ₹545, थर्ड एसी का जो किराया है वो ₹1465, सेकेंड एसी का जो किराया है वो ₹2100 और फर्स्ट एसी का जो किराया है वो ₹3560। और मैं इस ट्रेन की बात कर लेता हूँ तो ये भी ट्रेन काफी अच्छी ट्रेन है, आप लोग इससे भी जा सकते हैं। तो अगर आप लोग इंदौर से अयोध्या जाना चाहते हो सबसे बेस्ट तरीका है उज्जैन पहुंच जाइए, उज्जैन जंक्शन पहुंच जाइए। उज्जैन पहुंच के आप लोगों को ये 3 ट्रेन याद रखिएगा, वीकली में ही चलती है ये, नहीं तो आप कभी भी पहुंच जाए और आप लोगों को ट्रेन ना मिले तो आप लोग वीकली में जो जो मैंने आप लोगों को बता के रखा है उसी समय आप जाएंगे तो आप लोगों को ट्रेन मिल जाएगी। और पहले टिकट करवाते हैं तो आप लोगों को इसी प्राइस में ही टिकट मिलेगी। तो काफी लोग जाना चाहते हैं, मैं भी जाऊंगा अयोध्या के लिए, तो वहां पर अगर पहुंच वहां अगर मैं अयोध्या गया तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारी लूंगा, वहां पर रहने खाने सबकी जानकारी लेकर आऊंगा मैं। ट्रेन की जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है कि इंदौर से अयोध्या कैसे जाएं या उज्जैन से अयोध्या कैसे जाएं, तो क्योंकि इंदौर और उज्जैन में कोई डिफरेंस नहीं लगता मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा पास नहीं है, 50-60 किलोमीटर तो है। इंदौर का जो व्यक्ति है वो रोज अप डाउन करता है, तो अगर आप लोगों को अयोध्या जाना है तो उज्जैन जंक्शन से आप जा सकते हैं। और आप लोगों ने फोटो भी, ये फोटो जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये फोटो में भी आप लोगों ने दिखाई कि कौन से स्टेशन से आप लोगों को ट्रेन मिलेगी, कौन से प्लेटफॉर्म से मिलेगी। एक ऐप है माई ट्रेन ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए भी वीडियो पर, मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ बट मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और माई ट्रेन ऐप आप प्ले स्टोर पर आप देखेंगे ना माई ट्रेन ऐप तो आप लोगों को सबसे पहले जो आएगा उस पर आप डाउनलोड कर लीजिए, तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन बताता है कि स्टेटस भी पता लग जाएगी कहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों को और भी ट्रेनों की अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और वीडियो फिर बता रहा हूँ, वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा, आप लोग जो कमेंट करेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम और शेयर करते रहिए।